अगर हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है लॉग एक्स की पावर एन, ठीक है, कुछ भी ऐसा दे रखा है हमें, तो जिस फंक्शन के आगे लॉग है उसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो इसमें क्या बन जाता है, ये एन लॉग एक्स बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, थ्री लॉग एक्स दिख रहा है, तो ये जो तीन है ये हम इसकी पावर में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू ई लॉग एक्स की पावर थ्री। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास, e की पावर लॉग एक्स जो है वो x के बराबर आ जाता है, x का मतलब यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो, और यही रीजन है कि हम इसको इसकी पावर में लेके गए हैं ताकि डिफ्रेंसिएशन इजी हो जाए। जब इसकी पावर में चला गया तो y क्या बन गया मेरे पास, x की पावर थ्री, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लॉग के साथ जो भी फंक्शन है वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक, तो x की पावर थ्री हो गया। अब इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू थ्री की पावर ए एक्स प्लस बी, हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला है वो क्या है, a की पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू क्या है, तीन है, तो जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा थ्री की पावर ए एक्स प्लस बी, फिर लॉग a मतलब कि लॉग थ्री इंटू में फिर जो ऊपर फंक्शन है इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थ्री की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग थ्री इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, a, क्योंकि x का होगा वन और b जो है वो कांस्टेंट है, उसका जीरो हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो हमें दे रखा है log ऑफ log x की पावर फोर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें एक एक स्टेप से हमने इसको सॉल्व करना है। जो ये वाला अंदर का पूरा फंक्शन है इसको हमने x मान लेना है, log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, वन अपॉन x, तो हम इसमें कर देंगे dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ये पूरा फंक्शन log ऑफ log x की पावर फोर। ठीक है, इंटू अब इस वाले का करना है हमने, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ log x की पावर 4, अगर स्टेप बाय स्टेप करना है पूरा तो इस तरीके लिख सकते हैं। फिर ये हो गया 1 अपॉन log ऑफ log x 4 इंटू, अब ये log है बाहर और ये जो अंदर का फंक्शन है ये मेरे लिए पूरा x है, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन x लिखते हैं, तो 1 अपॉन log x की पावर 4 हो गया। ठीक है, फिर इंटू में क्या करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ अंदर का फंक्शन मतलब कि log x की पावर 4 का, फिर इसको तो ऐसे ही लिख देंगे 1 अपॉन log ऑफ log x की पावर 4 इंटू 1 अपॉन log x की पावर 4 इंटू log x की पावर 4 का क्या होगा, 1 अपॉन x की पावर 4। तो तुम्हारे क्वेश्चन में ये गलती थी कि तुमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, 1 अपॉन x की पावर 4 हो गया इंटू फिर x की पावर 4 का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 4, अभी मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ 4x क्यूब। ठीक है, तो ये x क्यूब से ये x 4 को कटेंगे तो अपॉन में एक x बच जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 अपॉन ये एक x बच गया इंटू log ऑफ log x की पावर 4 इंटू log x की पावर 4। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या रूल पढ़ा था कि e की पावर log x जब होता है तो उसकी वैल्यू x ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे e की पावर log जो भी फंक्शन है ये पूरा हमारे लिए x है, तो y क्या बन गया मेरे लिए, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस इससे आगे तो इसकी डिफरेंशिएशन इजी है। डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, एक्स का वन प्लस रूट एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो जो फंक्शन है वो पूरा लिख देंगे इंटू में डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टू एक्स, दो से दो कट गया तो ये आ गया वन प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
इसमें देखो हमें दे रखा है लॉग रूट एक्स माइनस वन और रूट एक्स प्लस वन अपॉन में। तो हमने ये देख रखा है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे रूट है। अब जब भी लॉग एम की पावर में एन होता है, मतलब लॉग एक्स की पावर में जो भी फंक्शन की पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ जाएगी वन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब ये थोड़ा इजी हो गया। अब जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे डीवाई बाय डी एक्स, वन बाय टू तो ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स क्या हो जाता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन आएगा, तो ये पलट जाएगा, तो पलट के क्या बनेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इंटू में डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये जो फंक्शन है एक्चुअल में, तो इसमें यू अपॉन वी लग जाएगा वन अपॉन टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन एज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, क्या होगा वन आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन एज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, वो भी क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, और इसको सॉल्व किया एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कट गया। तो नेक्स्ट स्टेप में वन अपॉन टू ये एक्स प्लस वन इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू में इसको ऐड करेंगे वन और वन क्या हो गया टू अपॉन एक्स प्लस वन बच गया, ये टू से ये टू कट गया, तो ये हो गया एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन।